घोट दीजिए हम लोगों का, आप लोग चलाइए। आप बोल रहे हैं मत, व्हाट आर यू सेइंग? टेल मी व्हाट आर यू सेइंग? हैव द करेज टू स्टैंड अप एंड स्पीक एंड मेक सच नास्टी रिमार्क्स। आई थिंक यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आई थिंक यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आई एम कॉलिंग द नेक्स्ट मेंबर। ये जो बोल गए ये आप रखेंगे? आई थिंक ये जो भी बोल के गए वो आप रखेंगे? आप आपका जो बोल, एक्सपेक्ट यू टू टेक एक्शन ऑन द कमेंट दैट ही मेड अबाउट मी एंड माय करियर। नो आप एड्रेस कीजिए शहर को, आप शहर को लाइट घोट दीजिए हम लोगों का, आप लोग चलाइए। आप बोल रहे हैं मत, व्हाट आर यू सेइंग? टेल मी व्हाट आर यू सेइंग? हैव द करेज टू स्टैंड अप एंड स्पीक एंड मेक सच नास्टी रिमार्क्स। आई थिंक यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आई थिंक यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आई एम कॉलिंग द नेक्स्ट मेंबर। ये जो बोल गए ये आप रखेंगे? आई थिंक ये जो भी बोल के गए वो आप रखेंगे? आप आपका जो बोल, एक्सपेक्ट यू टू टेक एक्शन ऑन द कमेंट दैट ही मेड अबाउट मी एंड माय करियर। नो एक्सक्यूज दिलाएंगे। आई कर्स यू। और इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमन, जरा दर्शकों को बताइए कि राज्यसभा में दरअसल हुआ क्या जिस पर जया बच्चन इतनी नाराज है सरकार से? देखिए, जया बच्चन बोलने के लिए खड़ी हुई थी, जो 12 सांसद है निलंबित सांसद उनके बारे में, लेकिन उनसे ये कहा गया कि जिस मुद्दे पर आपने समय लिया है उस मुद्दे पर बोलिए। जया बच्चन के रो में ही एक और सांसद ने टिप्पणी की कि ये फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, संसद है। इसके बाद जया बच्चन ने अपना आपा खो दिया और लगातार उस सांसद की तरफ देखकर चेयर को कह रही थी कि आप इसे इनका जवाब आप देंगे कि जिस तरीके से मेरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी की है, मेरे परिवार पर व्यक्तिगत टिप्पणी की है, इसके खिलाफ क्या आप कोई एक्शन लेंगे। और इसके बाद लगातार चेयर के समझाने के बाद भी जया बच्चन नहीं मानी। काफी देर तक जया बच्चन गुस्से में आग बबूला रही।